गंगा दशहरा महोत्सव 2024 संगम तट पर प्रधान त्रिवेणी आरती एवं जनकल्याण समिति के तत्वाधान में संपन्न हुई। आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पृथ्वी पर गंगा मैया अवतरित हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। आज ही के दिन जो गंगा स्नान करता है उसके 3 जन्मों के संचित पापों का समन हो जाता है और इसके कायिक वांछित और मानसिक 10 प्रकार के पाप का नष्ट हो जाता है। इसलिए आज के दिन सभी को गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में संगम तट पर प्रधान त्रिवेणी आरती एवं जन कल्याण समिति के तत्वाधान में विशाल मंगल आरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोग स्नान के बाद आरती में सम्मिलित हुए तथा प्रसाद ग्रहण किया गया। गंगा पूजन पंडित श्री ब्रजेश मिश्रा उर्फ पुली गुरु द्वारा वैदिक मंत्रों से संपन्न कराया गया, जिसमें भोलानाथ मिश्र अध्यक्ष, डॉक्टर AP पांडे महामंत्री, मीरा मिश्रा कोषाध्यक्ष, BP मिश्रा, अरुण सिंह, शारदा सिंह, BK अग्रवाल, विजय केसरी, अमरेश यादव, अनुराग मिश्रा, संतराम त्रिपाठी, शुभम, राजेंद्र जायसवाल, अजय सिंह अभिषेक, मनोज मुकेश पांडे, सुभाष केसरवानी, अनामिका चौधरी, सूरज चौबे, डॉक्टर शिवाकांत आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से ब्लॉक ब्यूरो चीफ विनय कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। गुरुजी, यहाँ किस तरह का आयोजन चल रहा था और इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग कब से कर रहे हैं इसको? ये लगभग 29 साल से चल रहा है, कंटिन्यू है, किसी भी नागा नहीं है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, हमेशा आरती होती है। और आज जो है गंगा दशहरा का पर्व है। आज के दिन ही गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से पवित्र हो गए थे। उनको तारने के लिए उनके परिवार के बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। लेकिन भागीरथी के अथक प्रयास से अथित हजारों वर्षों की तपस्या का पुण्य है कि पृथ्वी पर आज के दिन गंगा जी आई और सभी का कल्याण कर रही है। जी, आपका परिचय महाराज जी? नाम मिश्रा, अध्यक्ष प्रधान त्रिवेणी आरती जन कल्याण समिति प्रयागराज। जी धन्यवाद। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? गंगा मैया की जय बोली। गंगा मैया की जय। जी जी मैडम जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस अवसर पे? जन कल्याण समिति के तत्वाधान में आज माँ गंगा के तट पर गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर महाआरती का आयोजन हुआ। हम सब ने माँ गंगा की आरती उतारी और जन कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए आज यहाँ माँ गंगा से प्रार्थना किया, महाआरती उतारी, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी समृद्ध रहे, ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना किया। माँ गंगा जब तक धरती पर रहेगी तब तक हम सबका अस्तित्व है, और जिस दिन माँ गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन हम सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सभी लोगों से माँ गंगा के जल को अमृत समान बनाए रखने में अपना योगदान दे। जब भी तट पर आए स्वच्छता का विशेष ध्यान दे, पॉलीथीन बिल्कुल ले करना है, और घर का सड़ा हुआ फूल माला हवन सामग्री तस्वीर गंगा जी के में ना डालें। यदि आपको डालना है तो दूध डालें, शहद डालें, तब माँ गंगा का जल अमृत समान बना रहेगा। हम आने वाली पीढ़ी को यह जल अमृत समान देकर जाएं, ऐसा मैं माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ। सभी सुखी रहें, ऐसी जन कल्याण की भावना लेकर आज हम सबने महाआरती। आपकी परिचय? गंगा मैया की जय। मैं अनामिका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री और नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक। धन्यवाद।